सस्कल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोजैम पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, जब भी हमें अपने मोबाइल के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमें किसी दूसरे नेटवर्क के प्लान्स अच्छे लगते हैं तो हम अपना नंबर दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करवा लेते हैं और इसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP कहा जाता है। इससे दूसरी कंपनियों पर भी प्रेशर रहता है कि वो अपना बेस्ट प्लान और बेस्ट सर्विस अपने कस्टमर्स को दें ताकि उनके कस्टमर्स उनकी सर्विस को छोड़कर ना जाएं। अब ऐसी ही सेम सर्विस DTH और केबल नेटवर्क में भी आने वाली है। अब आप अपना बिना सेट ऑफ बॉक्स चेंज किए अपना DTH या फिर केबल नेटवर्क चेंज करवा पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। लेकिन उससे पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर DTH और केबल नेटवर्क में भी MNP जैसी सर्विस आ जाती है तब आप अपना DTH ऑपरेटर बिना अपना सेटअप बॉक्स बदले दूसरे DTH ऑपरेटर में चेंज करवा पाओगे। मान लीजिए आप DISH TV यूज़ करते हैं और आपको DISH TV में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आप DISH TV को टाटा स्काई, वीडियोकॉन DTH या फिर एयरटेल डिजिटल TV में पोर्ट करवा पाओगे और आपको अपना सेटअप बॉक्स भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। दरअसल ट्राई के चेयरमैन श्री RS शर्मा जी ने यह जानकारी देते कहा कि पिछले 2 साल से हम सेटअप बॉक्स को DTH या केबल सर्विस के बीच आंतरिक रूप से कार्य करने लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा सुलझ गया है, कुछ कारोबारी चुनौतियां बाकी हैं, हम इसे इस साल के अंत तक लागू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहता है तो इस साल के अंत तक यह सर्विस DTH सर्विसेज में लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह सर्विस लागू हो जाती है तो इसे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? अगर देखा जाए दोस्तों, तो जब भी हम अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तो तभी हमारे पास कस्टमर केयर का कॉल आ जाता है और वो हमें अपना सर्विस ना छोड़ने के लिए लुभावने ऑफर्स देते हैं, जैसे कि हमें एक्स्ट्रा टॉक टाइम दे देते हैं, हमारी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं, हमें एक्स्ट्रा डाटा दे देते हैं। ऐसा ही सेम DTH ऑपरेटर्स के साथ भी होगा। जब भी हम अपना DTH ऑपरेटर चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो DTH ऑपरेटर्स भी हमें उनकी सर्विस ना छोड़ने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे, जैसे कि हमारा NCF माफ़ कर देंगे, हमें एक्स्ट्रा चैनल्स दे देंगे, हमारा मंथली बिल कम कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आप क्या करोगे अगर यह सर्विस शुरू हो जाती है? आप अपना सेट बॉक्स चेंज करोगे? बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।